कि आपने तो सरकार के प्रवक्ताओं से ज्यादा उनका समर्थन किया। लेकिन मेरा ख्याल है सारा उपलब्ध आने से पहले आपको वो वीडियो ध्यान करना चाहिए जिसमें महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने पे मैंने इसी सरकार के खिलाफ जबरदस्त जहर उगला था और मैंने कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेले दो ध्वज दो विधान के बीच बैठ के शपथ दिला रहे हैं। कहाँ चला गया मुखर्जी का बलिदान? भक्तों और भक्तों की बुआ सबसे पहले मैंने ही बोला था, जिसपे भक्तों को बड़ी मिर्ची लगती थी, मुझे गालियां बकते थे। तो आप गलत करोगे तो गलत बोला भाई, आपने गलत किया, वो आपको नहीं करना चाहिए था उस सरकार, क्या हो जाता 17 राज्य आपको भक्त बना दिया सबने जब आपने धारा 370 का समर्थन किया। धारा कुमार विश्वास मोदी के भक्त हो गए। मैं कहता हूं कि वो मोदी करें, वो अमित शाह करें, कल को वो राहुल गांधी करें, कल को कोई और आके करें, अगर धारा 370 का कोई करेगा, समान नागरिक संहिता देश में क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? एक जैसा कानून क्यों नहीं होना चाहिए? आबादी बढ़ती चली जा रही है। मैं कह रहा हूं दो हो क्या गया है, आप मुद्दों पर बोलिए, आपको समूहों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। जैसे हमारी पार्टी जब बनी तो उसमें तय हुआ हर विषय पर, धारा 370 को चिदंबरम साहब जैसे व्यक्ति ने बोला कि क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल है इसलिए मोदी सरकार ने वहां पर कर दिया है, उसको मुसलमानों से जोड़ दिया गया। देखिए वो तो राजनीति में, आपको पता मेरे को एक नेता मिले थे कांग्रेस के, जब सरकार पहली बार मोदी जी की आई थी उसके 6 महीने बाद, वो 10 साल मंत्री रहे, तो मैं लंदन जा रहा था तो पड़ोस की सीट पर ही थे, तो मैंने उनसे कहा यार भाई आप तो बहुत फ्री हो गए होंगे, 10 साल मंत्री रहे, लोग सुबह आना जाना लोगों का इतना। बोले नहीं बहुत अच्छा हो गया है, अभी 4-5 साल के लिए, तब तक उन्हें अंदाजा था 4-5 साल ही है, अब तो ज़्यादा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं बेटियों को देख रहा हूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई, संपत्ति इधर उधर थी, उनको मैनेज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर पॉलिटिक्स कैसे चलती है? बोले पॉलिटिक्स का क्या है, सुबह ANI वाला आता है, जो भी मुद्दा होता है उसमें ये बोलना पड़ता है कि ये सरकार का कदम देश विरोधी है, हम इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी सदैव जो है देश के, तो ये आदत हो गई है। आपने कश्मीर पर एक बहुत सुंदर गाना भी बनाया है और उसको आपने गाया भी। मैं चाहता हूं कि उन तमाम सैनिकों के लिए, उन तमाम देशवासियों के लिए जिनकी छाती 370 हटने के बाद चौड़ी हो जाती है, अगर आप सुना पाए तो मैंने कश्मीर पर एक गीत लिखा जिसमें मैंने कश्मीरी भाइयों और बहनों को जो इसको टीवी को देख रहे हैं, आपके प्रोग्राम को देख रहे होंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम करोड़ों दर्शक देख रहे हैं लगभग हमारे 10 चैनल्स के माध्यम से, तो बहुत आभार। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी केवल सरकार की, प्रधानमंत्री की, गृहमंत्री की, अजीत डोभाल की नहीं है, जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी है। जिन लोगों ने भी ये कहा कि हम कश्मीर में मकान खरीदेंगे वो इस देश के खिलाफ हैं, वो इस मोहब्बत की मुहिम के खिलाफ हैं। मैं कश्मीर में मकान कभी नहीं खरीदूंगा, कश्मीर के हर शायर का घर मेरा है, कश्मीर के हर लेखक का घर मेरा है, उसके घर में जो एक कोने में जगह होगी वहां जाके लेटूंगा, 4 गजलें उसकी सुनूंगा, 4 अपनी सुनाऊंगा। जिन लोगों ने भी ये बात कही वो बिल्कुल गलत बात कही। तो मैंने कश्मीर के लोगों में आत्मविश्वास भरने के लिए एक गीत लिखा था, कश्मीर से हमारा जुड़ाव क्या है उस पर मैं उसका एक बंद सुना देता हूं। कि ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे, ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे, ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे, ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे, कभी ललदद ने राबिया ने भी गाया है तुझे, कभी ललदद ने राबिया ने भी गाया है तुझे, बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया है तुझे, तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल बादल, माँ के माथे पे चमकते हुए पावन आंचल, माँ के माथे पे चमकते हुए पावन आंचल, तेरी सरगोशी पे कुर्बान तेरा पूरा वतन, तेरी सरगोशी पे कुर्बान तेरा पूरा वतन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। एक